ओके ठीक है, हाँ समझ गया है आपको इंटरेस्ट कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन नेटवर्किंग में। सो इसीलिए आज बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन नेटवर्किंग एट जॉर्जियन कॉलेज के बारे में, या फिर यूं कह लो कि कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन नेटवर्किंग इन जनरल के बारे में। तो अगर आप सो कॉल्ड एजेंट्स के पास गए होंगे अपने कंप्यूटर के कोर्स के रिलेटेड बात करने के बारे में, तो चांसेस है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन नेटवर्किंग के बारे में ही सजेस्ट किया होगा। लेकिन अगर आप आईटी की फील्ड में आना चाहते हो तो इससे कई सारे ज़्यादा जो है वो कोर्सेज है आईटी की फील्ड में। तो अगर आपको मतलब आपकी पढ़ाई थोड़ी सी भी प्यारी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 2-3 दिन निकालो और अपने ही रिसर्च करके फिर जो कोर्स आपको सही लगे वो सिलेक्ट करो। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने किसी का सजेस्ट किया हुआ कोर्स लिया और अगर उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आया तो मतलब चांसेस है कि आपके जो 2 साल है वो काफ़ी मुश्किल से निकलेंगे और साथ ही साथ लाइफ में आगे जाके भी आपको दिक्कतें हो सकती है। तो प्लीज़ रिसर्च करो और फिर कोर्स लो। और अगर आप मतलब ऐसे ही आ जा रहे हो कोई भी कोर्स लेकर तो फिर क्यों ही ले रहे हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्सेज, कोई सस्ते से अच्छे वाले कोर्सेज लेके आओ तो उसमें आप आसानी से पास हो जाओगे। तो ये था थोड़ा सा इंट्रो, अब जाते हैं इसकी डिटेल्स में। और हाँ, मेरा जो कोर्स है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का है, तो उसके रिलेटेड मैंने मतलब एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें सारे असाइनमेंट्स और टर्म्स के बारे में बात की हुई है। तो अगर आपको उसमें भी इंटरेस्ट है तो ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो चेकआउट करो, चैनल का सबसे मतलब ग्रोथ वाला वीडियो वही है और मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा वो वीडियो, तो जाके उसको चेकआउट करना। तो कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन नेटवर्किंग में सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर कैनेडा में सारी की सारी मतलब ऑलमोस्ट जो सब कॉलेजेस है उसमें एक ही क्राइटेरिया है ये कोर्स के लिए, जो कि है 60% या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड यानी कि सी ग्रेड से ज़्यादा मार्क्स होना आपके मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट में, और आपकी उम्र जो है वो 19 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब आप एक एडल्ट होने चाहिए। तो ये थी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन नेटवर्किंग के कोर्स के बारे में। एलिजिबिलिटी के बाद बात करते हैं यहाँ पर इंटेक्स के बारे में। तो मतलब ये जो जॉर्जियन कॉलेज है वो ये कोर्स सारे के सारे इंटेक्स में प्रोवाइड करती है, यानी कि समर, विंटर और फॉल में। और चांसेस अगर आप कोई भी कॉलेज में मतलब ये कोर्स परस्यू करना चाहो तो वो कॉलेज भी आपको सेम इसी तरह से सारे इंटेक्स में ये कोर्स ऑफर कर ही देगी। तो फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आप कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो कि क्या सीन है और कौन से इंटेक्स में ये कोर्स जो है वो ऑफर किया जाता है। अब इंटेक के बाद बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सो यहाँ पर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में तो एक ही चीज़ चाहिए आपको, जो कि है एक अच्छा लैपटॉप। सो यहाँ पर फिर भी ये लोग स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि आपका जो लैपटॉप है वो i5 प्रोसेसर या फिर उससे अबव जो प्रोसेसर है यानी कि i7, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है कोई कोई कोर्स में 16 GB रैम भी यहाँ पर उन्होंने बोला होता है। लेकिन अगर आपके पास 8 GB रैम का मतलब लैपटॉप है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और स्टोरेज जो है वो 512 GB मैंडेटरी है। सो ये थी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आपकी ये कोर्स के लिए। मेरे कोर्स के लिए भी ऑलमोस्ट ये सारी की सारी सेम है। सो हाँ, ये थी सारी वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। तो सारी छोटी मोटी बातें खत्म करने के बाद अब बात करते हैं कोर्स के आउटलाइन के बारे में। तो ये कोर्स में जो है वो टोटल 23 कोर्सेस है, जिनमें कि 18 जो है वो आपके मेन कोर्सेस है यानी कि प्रोग्राम के रिलेटेड, और साथ ही साथ आपको 2 कम्युनिकेशन कोर्सेज करने होंगे और 3 जो है वो आपको जनरल एजुकेशन कोर्सेज करने होंगे। सो यहाँ पर जो मेन प्रोग्राम रिलेटेड कोर्सेज है तो उसमें वहाँ पर आपको मतलब जो प्रोग्राम के रिलेटेड है वो वही आएगा, यानी कि लिनक्स प्रोग्रामिंग और ये वो। फिर कम्युनिकेशन कोर्सेज में मतलब आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग नॉलेज दी जाएगी। अलग अलग तरह के होते हैं कोर्सेज, कोई मीडिया रिलेशन का होता है तो कोई डायनेमिक प्रेजेंटेशन या फिर कम्युनिकेशन एसेंशियल्स भी होता है। सो इस तरह के कम्युनिकेशन कोर्सेज भी होते हैं। और इसके अलावा भी आपको 3 जो है वो जनरल एजुकेशन के कोर्सेज भी देने पड़ते हैं। और यहाँ पर मतलब सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं यहाँ पर जनरल एजुकेशन में, तो आपकी कॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो कितने जनरल एजुकेशन ऑफर कर रही है या फिर कर भी रही है या नहीं। बट ये जो थी वो जॉर्जियन की बात थी, और जॉर्जियन में जो आउटलाइन है वो कुछ इस तरह से है। और अगर आपको डिटेल्ड आउटलाइन देखनी है जॉर्जियन कॉलेज के बारे में तो वो मैं मतलब उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं पूरी आउटलाइन और कौन से सब्जेक्ट्स है उसको, वो भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो जॉर्जियन कॉलेज भी जानती है कि अगर आप सिर्फ डिप्लोमा लेकर जॉब मार्केट में जाओगे तो चांसेस है कि आपको जॉब जो है वो शायद ना मिले। और इसी के लिए ये लोग जो है वो एक कोऑप मतलब मैंडेटरी करते हैं कोर्स में। और अगर आपको नहीं पता कोऑप क्या है, तो कोऑप बस एक ऐसा वर्क टर्म होता है जहाँ पर आपको अपने कोर्स के रिलेटेड थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए पेड या फिर अनपेड काम करना होता है। और यहाँ पर ये जो मतलब 4 महीने का कोऑप टर्म होता है और आपको कंपलसरी करना पड़ता है इन ऑर्डर टू पास योर कोर्स। सो ये होता है कोऑप। और अगर आप स्पेसिफिकली जॉर्जियन कॉलेज में आना चाहते हो तो मैं मतलब मेरे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो फर्स्ट है मैं वहाँ पर 2 कोर्सेज जो है वो काफ़ी सेम है यहाँ पर। सो पहला है नेटवर्किंग असेंशियल्स और दूसरा है मैथ्स। सो मैथ्स आपको एक टीचर पढ़ाएगी, और नेटवर्किंग असेंशियल एक कोर्स है जो आपको वेबसाइट पर करना होता है, मतलब वो टोटली ऑनलाइन होता है। तो सोचा ये आपको शायद काम आए इसलिए बता दिया।
आउटलाइन वाउटलाइन पढ़ने के बाद शायद आप ये कोर्स ले लो और फिर आप सोचो कि पास होने के लिए क्या करना है, तो उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। सो यहाँ पर आपको पास होना हो तो आपको जो ओवरऑल परसेंटेज लानी होती है हर सेम में वो होती है 60, और हर एक सब्जेक्ट में अगर आपके 50 से कम परसेंट आते हैं तो आप फेल होगे। मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको 50 से ऊपर लाने हैं और आपका जो ओवरऑल एवरेज है वो अबव 60 होना चाहिए, बिल्कुल आयल्स की तरह, जैसे कि टोटल 6.5 नो लेस देन 6। सो इस तरह का पासिंग क्राइटेरिया होता है ये कोर्स में, और हर एक कोर्स का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मतलब आपको किसी भी कोर्स में चांसेस नहीं है कि आप 50 से लो स्कोर करो और पास हो जाओ। सो इस तरह का पासिंग क्राइटेरिया है यहाँ पर, और अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चांसेस है कि आप भी जो है वो यहाँ पर आके इजीली पास हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स होती है उन पर ही सारा वेटेज नहीं डाला जाता है। मतलब हर क्लास में थोड़ा 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 करके आपको जो है वो सिखाया जाता है और उसी पर टेस्ट या फिर असाइनमेंट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल 100 है वो काफ़ी छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ होता है और उसमें स्कोर करना भी काफ़ी आसान रहता है। यही थी कुछ डिटेल्स आपके कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन नेटवर्किंग कोर्स के रिलेटेड। अगर आप इसको परस्यू करना चाहते हो जॉर्जियन कॉलेज में या फिर यूको के कनाडा की कोई भी कॉलेज में इन जनरल। सो अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद ही आई होगी, और अगर ऐसा है तो देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। और अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में जानना है तो वो वीडियो अब यहाँ पर आ चुका होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले में, तब तक के लिए बाय बाय।